तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अजमेर पिजन लवर। तो दोस्तों आज वापस हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कबूतरों को हम गर्मियों में निला रहे हैं जिससे ये जल्दी जल्दी पर झाड़ें और सीज़न के लिए जल्दी से तैयार होए। तो आप जब कबूतरों को निलाएंगे ना दोस्तों, तो आपने क्या क्या चीज़ें पानी में ऐड करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मुल्तानी मिट्टी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये मुल्तानी मिट्टी है और इसे हम पहले पीस लेंगे और फिर पीसने के बाद मिला पानी के अंदर मिला लेंगे और ये ऐसी हो जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं आप ये। तो जब ये ऐसी हो जाए उसके बाद आपने एक लीटर पानी में कम 5 से 7 चुटकी डालनी है दोस्तों। ये तो हमारी ये तगारी है दोस्तों, इसमें हम पानी चला देते हैं। तो पानी चल रहा है तो जब तक हम ये फिट करिए दोस्तों, ये फिट करिए हमने इस पानी में घोलनी है कम से कम 1-2 मिनट तक, हमें 1 मिनट तक तो घोले कम से कम। और पानी का रंग दोस्तों हल्का ब्लू हो जाएगा, ये फिटकड़ी है और इस पानी में पटक देते हैं हम इसे अभी तो। और जो ये मुल्तानी मिट्टी जो हमने पीस कर भिगोई हुई है, तो ये ऐसे चुटकी भी डलती है, ग्राम भी डलता है दोस्तों, तो इतनी मान के चले, ये एक चुटकी मान ले दोस्तों। तो हमें ना ये तगारी के अंदर कम से कम 1 लीटर पानी में दोस्तों आपने 7-8 चुटकी डालनी है। तो हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों, इतना अंदाजे से डाल देते हैं और मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या काम करती है। और थोड़ा और डाल देते हैं मुल्तानी मिट्टी दोस्तों, हम कबूतरों को पानी की कुंडी में मिलाकर भी पिला सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो देख सकते हैं आप, जैसे कि अब पानी चल गया है, पानी हम भर रहे हैं और फिर कबूतर खोलते हैं। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ये फिटकड़ी और मुल्तानी मिट्टी क्या क्या काम करते हैं। ये कबूतरों का नहान है एक तरह का, जो कबूतर को सीज़न के लिए तैयार करता है बेहतरीन तरीके से दोस्तों। अगर आप ये नहान देंगे ना तो मैं बता देता हूँ आपके कबूतर के पर वर और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो बहुत सही रहेंगे, फिट रहेंगे कबूतर। तो ठीक है दोस्तों, मैं कबूतर खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि ये सारे कबूतर नहा रहे हैं, जो नहा लिए वो चले गए धूप से रहे हैं वो, और कुछ कुछ तो अभी भी नहा ही रहे हैं। और नहाने देते हैं हम इन्हें ऐसे ही। तो आपको बता ही दिया मैंने फिटकड़ी और मुल्तानी मिट्टी का पानी का नहान दीजिए कबूतरों को और जल्दी तैयार करिए आपके कबूतर सीज़न के लिए इन्हें बेहतरीन। और जो फिटकड़ी है इनकी क्या आंखें वगैरह नहीं आएगी, और जो इनके परों में जो जुएँ चलती है ना दोस्तों, वो क्या हट जाएगी, कुछ मर जाएगी, कुछ रह भी जाती है। और कबूतर को जैसे बरसातों के टाइम में कबूतरों की एक बार डीवॉर्मिंग कर दीजिएगा। अगर डीवॉर्मिंग की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डीवॉर्मिंग की वीडियो भी बना दूँगा। और बहुत सारी टिप होती है दोस्तों की जो कबूतरों को सही रखते हैं हम, उसके बाद ही ये दोस्तों अगर हम अभी इनकी खिदमत करेंगे ना तो ये हमारे सीज़न में अच्छा काम भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं नहा ही रहे हैं अभी भी कबूतर, कुछ कुछ नहा लिए वो चले गए हैं, कुछ ऊपर से रहे हैं धूप। वो हमारे जोड़े वाले जाल की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये उधर ही पैदा हुए हैं सारे कबूतर, तो अपने माँ बापों से मिलते हैं रोज वहीं जाके। इधर तो कोई आता ही नहीं है, इधर उधर ही रहते हैं ज़्यादातर उधर से ही, और ना ही रहे कबूतर तो आप देख लो। और अगर आपके कबूतर आपको ठीक तरीके से रखने ना, तो दोस्तों निलाइए अभी कबूतरों को क्योंकि गर्मी बहुत है। जितना कबूतर नहाएगा उतना जल्दी पड़झाड़ी भी करेगा और फिट रहता है दोस्तों नहाने से कबूतर। और हाँ, जो एक बात और है कि जो कबूतर दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कबूतर नहाता है और वो अपने शरीर में से वाइट पर निकालता, वाइट पाउडर टाइप का निकाल देता पानी के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी निशानी होती है दोस्तों कबूतर के लिए, बहुत चीज उससे ही दोस्तों कबूतर की वैल्यू हो जाती ज़्यादा। और मुल्तानी मिट्टी से कबूतर के परों में भी देखिएगा आप, शाइन आ जाएगी एक तरीके से, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है कबूतर, हाथ में से फिसलने लग जाता है इतना वो होता है। और इससे क्या कबूतर महक में भी बसता है अपनी छत को पहचाने का ना, जितना कबूतर आप निलाओगे ना, जिस छत पे ज़्यादा कबूतर ना के अपनी छत को जैसे सेता है ना, जैसे ये से रहे हैं, देखिए कबूतर अपने लेट गए हैं और धूप से रहे हैं, तो इस तरीके से जब कबूतर अपनी छत पे बैठा रहता सुकून से, तो वो पक्का होता है दोस्तों
तो ये मजबूत कबूतरों कबूतर करने के लिए दोस्तों आप नहलाइए कबूतरों को और इसे धूप सेने दीजिए। तो जब इस तरीके से बैठता है आराम से धूप सेता है तो वो उस छत का गिरदान भी होता है दोस्तों। तो अभी के लिए तो आप देख सकते हैं नहा ही रहे हैं और बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हम फिटकड़ी आपको बताई दी, फिटकड़ी डालिए और उसी में पटक दीजिए वो घोल कर। जब कबूतर नहा ले कर ले सब तो उसे निकाल कर सुखा कर वापिस रख दीजिए और ऐसे ही करिए दोस्तों। और जो जिसके कबूतर ज़्यादा मतलब आँखें वगैरह आ रही है ना तो उस वो अपने कबूतर को फिटकड़ी की मात्रा बढ़ा दीजिए दोस्तों। फिटकड़ी की मात्रा वो बढ़ा दीजिएगा। और मुल्तानी मिट्टी है तो दोस्तों ये मुल्तानी मिट्टी आप पानी में मिलाकर पिलाइए, पर लेकिन इस पानी को दोस्तों बरसातों के टाइम में ना पिलाइएगा क्योंकि ये कबूतरों को बहुत ठंडा कर देती है अंदर से और जो कबूतर लू का शिकार होने से बच जाता, बहुत सी बीमारियों से बच जाता है इस मुल्तानी मिट्टी के पानी से दोस्तों। मैं तो पिलाता ही हूँ कम से कम, आज मेरे को मुल्तानी मिट्टी का पानी मैं हर रोज़ ही इन्हें पिला रहा हूँ अभी तो, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और मुल्तानी मिट्टी बहुत ठंडा कर देती है अंदर से कबूतर। और बस ये है कि इसे मुल्तानी मिट्टी को बरसातों में ना पिलाइएगा नहीं तो आपका कबूतर जाया हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा।